चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी वोट डाला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी वोट डाल चुके हैं, प्रेम नगर के बूथ नंबर 174 पर मतदान करने के लिए पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मतदान किया और जनता से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील भी करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने वोट डाला और जनता से शत प्रतिशत वोट डालने की अपील की है, यानी कि 100% वोट डालने की अपील वो करते हुए नजर आए क्षेत्र के लोगों से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं लोकसभा के लिए और वोट डालने के लिए पहुंचे मतदान केंद्र पर प्रेमनगर में। उन्होंने अपना वोट डाला और यहां से वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में जनता से भी खास अपील की है। जनता से खास अपील करते हुए शत प्रतिशत मतदान को लेकर के अपील उन्होंने की है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल जब मतदान केंद्र में पहुंचे वोट डालने के लिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो लगातार इसी तरह से दिग्गज जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वोट डाल चुके हैं, पूर्व सीएम भी वोट डाल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने अपने बूथ पर पहला वोट उन्होंने ही डाला है। जनता से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील भी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने की है। करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मनोहर लाल, करनाल लोकसभा सीट के लिए प्रेमनगर के बूथ नंबर 174 पर उन्होंने मतदान किया है। तो देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। सभी 10 सीटों पर आज मतदान चल रहा है, मतदान जारी है सुबह 7 बजे से ही। मैंने करके संविधान को स्मरण कर अपने आराध्य देव को स्मरण कर चक्री को डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले, शत प्रतिशत मतदान करें। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख था, इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा।